चैनल स्वाति's बर्थडे लाइफस्टाइल, दिस इज स्वाति। फ्रेंड्स, आज ये आप मेरा लुक देख रहे हैं। फ्रेंड्स, ये आज मैंने क्रिएट किया है, किसी भी शादी में, पार्टी में, फंक्शन में आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स शादियां स्टार्ट हो चुकी हैं और मेरे पास रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि आप कोई लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो जो है मेरी अपलोड हो चुकी हैं बहुत सारी, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं शॉर्ट्स वीडियो की प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर करूंगी, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर दे दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो फ्रेंड्स मेकअप है, ये आप अपने भाई की शादी में, बहन की शादी में या किसी भी करीबी रिश्तेदार की शादी में ये कर सकते हैं, अगर आप वहाँ पर गेस्ट बनकर जाते हैं या आपके घर में किसी की शादी है तो आप इस तरह का लुक क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में, और फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैंने इसको पर्ल और गोल्डन ज्वेलरी से इसको पेयर किया है, और फ्रेंड्स ये मैंने ज्वेलरी इसके साथ पेयर की है, और फ्रेंड्स किसी तरह की मैंने यहाँ पर रेड जो जयपुरी मेरे कंगन हैं ये मैंने वेयर किए हैं, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें कांच का और जो छोटे छोटे मिरर वर्क है वो हो रहा है, यहाँ पर नगों का वर्क है इस पर, आप चूड़ी या जो भी आप चाहें वो आप वेयर कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैं ये लुक क्रिएट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और लुक पसंद आया है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर, मैं वो वीडियोज़ आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड सबसे पहले मैंने यहाँ पर हिमालय के फेशियल वेट वाइप्स यूज़ किए हैं। फ्रेंड्स ये हमारे जो फेस है उसको बिल्कुल क्लीन कर देते हैं और जो भी डर्ट वगैरह है वो हमारे फेस से निकल जाती है। तो सबसे पहले मैंने ये यूज़ किया है, आप चाहें तो अपना फेस वॉश से वॉश कर सकती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ऑलमंड ऑयल की 2 से 3 बूंदें अपने फेस पर अप्लाई की हैं, आप कोई भी फेस सीरम वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स जो विंटर सीज़न होता है उसमें हमारी जो स्किन होती है वो एक्सट्रीमली ड्राई हो जाती है, और हमें कोई भी फेशियल ऑयल या फेशियल सीरम अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये हमारा एक मेकअप के लिए बेस तैयार हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर मालियों का फेस प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ, उसको मैंने अपने नोज़ एरिया के आसपास और चिन एरिया पर अप्लाई कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम्स होती है जिससे हमारा जो ओपन पोर हैं वो कवर हो जाते हैं। लिप बाम होठों पर लगा लूँगी। अब मैं यहाँ पर कलर क्वीन का जो कंसीलर है उसको अपने पिगमेंटेड एरिया पर अप्लाई करूँगी। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कोई भी फाउंडेशन अप्लाई नहीं कर रही हूँ, और वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको मैं ब्लेंड कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर एन बाई वे की कॉन्टोर स्टिक है उसे अपने फेस पर अप्लाई करूंगी, जहाँ जहाँ मुझे कॉन्टूर करना है, और उसको भी मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी जिससे कि जो हार्श लाइन है वो विजिबल ना हो और हमारे जो फेस को शेप है बहुत अच्छी तरीके से मिल जाए। तो ये आप देख सकते हैं फ्लैट फेस से मेरा ये एक शेप फेस हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अपने जो बेस मेकअप है उसको सेट कर लेती हूँ, हमारा जो क्रीम कॉन्टूर है वो भी सेट हो जाएगा, और कॉन्टूर के नीचे भी थोड़ा सा हम फेस पाउडर है उसको अप्लाई कर लेंगे इस तरह से। अब फ्रेंड्स मैं आंखों को भी अपने सेट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर मेकअप रेवोल्यूशन की आई शेडो पैलेट लेती हूँ, और यहाँ पर मैंने ये ब्राउन शेड अपनी क्रीज लाइन पर बिल्डअप किया है, ये आप देख सकते हैं। अब मैंने ब्लू हेवन का कंसीलर लिया है, उससे मैं एक क्रीज क्रिएट करूँगी इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये मैरून शेड है इसको एक ब्रश से इसकी जो आउटर लाइन है उसको बनाने की कोशिश की है, और इसी पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं अपनी नीचे की जो लोअर लैश लाइन है वहाँ पर भी अप्लाई कर दूँगी। उसके बाद मैंने ग्रे या ब्लैक शेड भी आप ले सकते हैं, वो अपनी क्रीज लाइन पर बिल्डअप करेंगे, और जो बीच का एरिया है उसको हम ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो हमारा गोल्डन शेड है या आपकी जो मैचिंग ड्रेस होगी उससे रिलेटेड शेड आप यहाँ पर ले सकते हैं, शिमरी शेड लेना है बट आपको, ये आप देख सकते हैं। पेंसिल की हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज को भी फिल इन कर लूँगी, और स्पूली की हेल्प से उसको कॉम कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर एन वाई वे का लाइनर ले रही हूँ, और एक छोटा सा विंग लाइनर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लाइनर ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आईलैश कलर की हेल्प से अपनी आईलैशेस को कर्ल कर लूँगी,
और मैंने यहाँ पर ब्लू हेवन का वॉक फ्री मस्कारा है उसको अप्लाई किया है। फ्रेंड्स, कर्लर से हमारी जो आईलैशेस हैं बहुत अच्छी कर्ल हो जाती हैं और आपको फेक आईलैशेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एन बाई वे की जो काजल पेंसिल है वो अपनी लोअर लैश लाइन पर और वाटर लाइन पर अप्लाई की है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे स्किप भी कर सकते हैं। हंसते हुए मैंने ब्लशर अप्लाई किया है क्योंकि स्माइलिंग फेस से जो हमारा ब्लशर है बहुत अच्छा लगता है। उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हाइलाइटर अप्लाई किया है, ये आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा मैं अपने नोज़ पर और क्यूपिड एरिया पर भी अप्लाई कर लूँगी इस तरह से। तो ऑलमोस्ट मेरा जो मेकअप है वो कंप्लीट हो चुका है, बट लिपस्टिक के बिना वो अधूरा है। यहाँ मैं नायका की लिपस्टिक यानी कि मिनी लिपस्टिक है, इसको मैं अपने लिप्स पर अप्लाई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी लिपस्टिक है ये और हमारे लिप्स को मॉइस्चराइज रखती है। और फ्रेंड्स, सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा।